नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत। अक्टूबर में कतर की एक अदालत ने सुनाई थी मौत की सजा। विदेश मंत्रालय की ने सजा की राहत की पुष्टि की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर, हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। कोर ग्रुप बैठक में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के गुना में हुए भीषण सड़क हादसे की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में की घायलों से मुलाकात। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जताई मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने महाराष्ट्र में की बड़ी कार्रवाई। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दायर। और क्रिकेट में, सेंचुरियन में भारत के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 408 रन। डीन एल्गर ने 185 और मार्को यानसेन ने खेली नाबाद 84 रन की पारी। पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका ने 163 रन की बढ़त बनाई। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। कतर में मौत की सजा झेल रहे 8 भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 8 भारतीय लोगों की मौत की सजा कम कर दी गई है। अक्टूबर महीने में कतर की एक अदालत ने 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखे गए 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई थी। विदेश मंत्रालय की ओर से इस मामले में गुरुवार को जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया है, जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी अपील वाली अदालत में परिवार के सदस्यों के साथ उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के साथ भी उठाना जारी रखेंगे। दरअसल 8 भारतीय नागरिकों को बीते साल अगस्त महीने में कतर से गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लोग कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम कर रहे थे। इन भारतीय नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब तक न तो कतर के अधिकारियों और न ही नई दिल्ली के भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के दौरे पर हैं। अमित शाह ने हैदराबाद स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। अपने दौरे में अमित शाह हैदराबाद में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो पार्टी मंडल अध्यक्षों के साथ मुलाकात भी करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और पीएम मोदी का निजी संदेश भी सौंपा। डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की उन्होंने सराहना की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अलाउ मी टू कन्वे द पर्सनल ग्रीटिंग्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड ही हैज आल्सो थ्रू मी सेंट अ लेटर टू यू अ लेटर
expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के गुना जिले में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुना सड़क हादसे में घायलों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गुना बस हादसा मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो गंभीरता से जांच कर घटना की रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही मामले में मुख्य सचिव को इससे जुड़े संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग को दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया है। सभी कलेक्टर्स और एसपी को भी बगैर परमिट चलने वाले वाहनों पर सतर्कता बरतने और दोषियों के विरुद्ध कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हमारी संवेदनशील सरकार है, इस नाते से मैंने कल कुछ घोषणा भी की थी और वो उन घोषणाओं के आधार पर जो घायल हैं उनसे कहा कि इनका अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के भी इलाज कराने की जरूरत है तो इलाज भी कराएंगे। ऐसे सीएमओ जो फायर ब्रिगेड के लिए उनके दृष्टि से भी उन पर मैंने कहा दोनों को सस्पेंड किया जाए, और इसके लिए बड़े अधिकारियों के लिए भी मैंने सीएस को निर्देश जारी किए हैं कलेक्टर। साथ ही साथ परिवहन विभाग चूंकि जवाबदार विभाग है और परिवहन विभाग अगर प्रदेश भर में वाहन पंजीयन की बाकी कामों की जवाबदारी लेती तो इसके पंजीयन करने के लिए परिवहन के प्रदेश के बड़े अधिकारियों पर और संबंधित और उच्चस्थ अधिकारियों पर भी बात करते हुए इसमें उन पे भी कठोर कार्रवाई का मैंने सीएस को निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुना सड़क दुर्घटना पर दुख जताया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के गुना में हुई सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। देश में आईएसआईएस आतंकी साजिश पर अपना शिकंजा और कसते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वैश्विक आतंकवादी संगठन के लिए भर्ती और धन जुटाने में शामिल 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों की पहचान मुंबई के ताबिश नासिर सिद्दीकी, जुल्फिकार अली बड़ौदवाला उर्फ लाला भाई, शर्जील शेख और बोरीवली पड़घा के आफिक अतीक नाचन और साथ ही पुणे के जुबैर नूर मोहम्मद शेख उर्फ अबू नुसैबा और डॉक्टर अदनान नाली सरकार के रूप में की गई है। ये सभी प्रतिबंधित आईएसआईएस संगठन के सदस्य हैं और लोगों के बीच भय और आतंक पैदा करने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से संगठन की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रचने में शामिल थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले रामनगरी अयोध्या में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रामनगरी अयोध्या को शराब मुक्त घोषित किया जा चुका है। श्री राम की नगरी में 84 कोसी की परिधि के मार्ग पर शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस मार्ग से अब शराब की सभी दुकानें हटाई जाएंगी, यह जानकारी आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने दी है। नितिन अग्रवाल ने बताया कि वो इसको लेकर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने राम मंदिर को शराब मुक्त करने के लिए 84 कोस तक शराब की दुकानों को हटाने की बात कही है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र को शराब निषेध घोषित किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश के जितनी भी दुकानें आवंटित थीं उस क्षेत्र में,
हमने सभी उन दुकानों को शिफ्ट किया है, हटाया है, और हम पूरी तरीके से उस 84 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसको हम पूरी तरीके से हमने शराब की बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। हमारी प्रायोरिटी है कि जो आस्था के हमारे स्थल हैं, जहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, हमें उनको भी ध्यान में रखना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया था। हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स का है जो लगातार क्षेत्रों में काम करती रहती हैं, भ्रमण करती रहती हैं, उन्हें सख्त निर्देश है कि किसी भी तरीके से अवैध मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, ना बिकनी चाहिए, ना कहीं बाहर से आनी चाहिए। इसका हम लोग पूरी सख्ती से उसका पालन करा रहे हैं। और अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। वहीं समारोह के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, उसकी तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। और अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि कोई भी कार्य जल्दी में नहीं बल्कि गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। निर्माण कार्य 3 चरणों में हो रहा है। पहला चरण दिसंबर 2023 तक है, दूसरा 2024 में पूर्ण होगा जब पूरे मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा चरण परिसर का निर्माण कार्य होगा। गुणवत्ता के आधार पर अधिकतम मजबूती के साथ जो होना चाहिए वो किया जा रहा है, और उसी के कारण यह निर्माण कार्य 3 चरणों में रखा गया है। पहला 2023 दिसंबर तक है, दूसरा 2024 में होगा जब पूरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और तीसरा और अंतिम चरण है जबकि परिसर में भी जो निर्माण कार्य हैं वो होंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन को अविस्मरणीय समारोह बनाने के लिए सभी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सूर्य प्रताप शाही व दयाशंकर सिंह तथा महापौर अयोध्या सहित स्थानीय प्रशासन के साथ वर्चुअल बैठक कर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए प्रमुख दिशा निर्देशों की अगर बात करें तो वर्ष 2023 की विदा बेला पर धर्मनगरी अयोध्या में पीएम के आगमन पर अयोध्या में विकास के नए युग के प्रारंभ होने वाली करने वाली होगी। इस अवसर पर देश को न केवल एक नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उपहार मिलने जा रहा है बल्कि अयोध्या को हजारों करोड़ की परियोजनाओं का उपहार भी मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए रूट तय कर दिया गया है और सुरक्षा और साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। पूरी अयोध्या राममय हो, स्थानीय मठ मंदिरों को सजाया जाएगा, भव्य तोरण द्वार तैयार किए जाएंगे, जगह जगह सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा रुचिकर प्रस्तुतियां की जाएंगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्या के लोग भी उत्सुक हैं, उन्हें यथोचित स्थान दिया जाएगा। साधु संतगणों के द्वारा पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाना है। उनसे संवाद बनाए रखने के लिए भी प्रशासन को निर्देश दिया गया है। ये रोड शो जनता के लिए है, ऐसे में जन भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इस बात का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आज एमएसएमई के लिए ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक लॉन्च की। ये ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हैंडबुक 4 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और कन्नड़ में उपलब्ध है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे एमएसएमई के लिए दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे, जिसमें भारत के स्वदेशी उत्पादों की दुनिया में बढ़ती मांग को बाहर के बाजार में भेजना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारे क्राफ्ट्समैन, कामगारों, किसानों आदि के लिए अपने उत्पादों को अच्छे दाम पर बेचना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। दिस बुक इज एनकरेजिंग एमएसएमईज to get set and start exporting, which will be a one-stop shop, giving the what, where, when and how to promote exports through e-commerce.
This was part of our foreign trade policy 2023 ambitious target to increase merchandise exports to $1 trillion by 2030. And in some sense, this is also reflective of the whole of the government approach that Prime Minister Modi has brought to India. और सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के मामले को लेकर आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक अहम बैठक चंडीगढ़ में हो रही है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही केंद्र और दोनों राज्यों के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के रियासी जिले में 33 छात्रों का एक समूह आज वतन को जानो यात्रा पूरी करने के बाद से रियासी लौट आया। 10 दिनों तक चली इस यात्रा के दौरान छात्रों को विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर दौरा करने का अवसर मिला। छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से मिलने का भी मौका मिला। प्रधानमंत्री के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताते हुए कुछ छात्रों ने अपने विचार साझा किए। मोदी नाम मेरे का बड़ा सही लगा। मैं कभी सोच नहीं था कि हूँ मोदी ने देख पाऊंगा टीवी में देखे तो इसका कभी नहीं देखे तो। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आप आपके जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा और कहाँ पे है। हमने कहा रियासी में। फिर उन्होंने पूछा कि आपके जम्मू कश्मीर से एक लड़की ने मतलब वो टॉप किया है आज कौन सी गेम में, उसका नाम क्या। हमने फिर बताया कि उसका नाम शीतल देवी है, उसने आर्चर में तीर कमान में टॉप किया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आके कैसे लगा। हमने कहा सही। हम मोहर से निकले थे, फिर जम्मू आए, जम्मू से हम सीधा गए जयपुर। जयपुर में हमें बहुत से महल देखे, जैसे हवा महल, जंतर मंतर महल और दूसरा एक अल्बर्ट म्यूजियम, वो सारे देखे हमने। उसके बाद हमें अजमेर शरीफ ले जाया गया। अजमेर शरीफ में भी हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमें वापस दिल्ली ले आया। दिल्ली में हमें रेड फोर्ट और कुतुब मीनार और पीएम मोदी जी से हमें वहाँ पे मिलाया और प्रेसिडेंट से मिलाया। पीएम मोदी जी से हमें मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, आज से पहले हम कभी नहीं मिले। और हमारा सपना भी था कि हम बहुत दूर दराज इलाके से हैं और हम फर्स्ट टाइम मिले मोदी जी से, तो बहुत अच्छा लगा। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। ये मामला एनआरआई बिजनेसमैन सी.सी. थम्पी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप है। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर उसी जमीन को उसी रियल एस्टेट एजेंट को वापस बेच दिया। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सी.सी. थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध हैं। और काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न है। इसका मकसद ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं के दो केंद्र बिंदुओं को आपस में जोड़ना है। तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग काशी तमिल संगमम में पहुंचे हुए हैं। इसी क्रम में छठे समूह ने सिंधु काशी में गंगा स्नान के बाद दूरदर्शन न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान समूह के सभी सदस्यों ने इस अनूठे कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। सिंधु समूह हनुमान घाट की गलियों में है, गंगा का पवित्र स्नान किया इन लोगों ने, सुब्रमण्यम भारती का आवास जिसमें वो कभी रहे थे उसको देखा, कांची मठ में गए और अब इन गलियों में ही हैं हमसे बात करने के लिए। क्या अनुभव रहा आपका? वी केम थ्रू काशी तमिल संगमम विच बिकॉज ऑफ विच ओनली वी हैड द ऑपर्चुनिटी
to visit these places. We are lucky enough that we are shortlisted for this, and it's thanks to the central government and all the ministries and the government of Uttar Pradesh. Thanks to the Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Tamil Sangam 2.0 में आया था. आज सुबह हम लोग रेडी हुआ है. इधर सीधा हनुमान घाट में आया था. गंगा जल के पूरा पवित्र गंगा में हम लोग स्नान किया था. हम लोग आज शाम में आरती देखेंगे. ये सब के लिए हम लोग इंडिया गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर हमारा मोदी जी का और यूपी में सीएम योगी जी का हम लोग धन्यवाद करते हैं. आई फील लकी टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी. आई थैंक द टोटल काशी तमिल संगमम टीम. The trip is like so well organized and they are treating us like a VVIP. जैसा कि एक सज्जन ने बताया कि उन्हें यह आभास ही नहीं हो रहा है कि वो तमिलनाडु से बाहर हैं. निश्चित ही यह बहुत ही शानदार योजना है केंद्र सरकार की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, जो काशी तमिल संगमम के माध्यम से इन लोगों को काशी में ही तमिलनाडु में होने का एहसास करा रही है. कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, हनुमान घाट, वाराणसी. काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में खासा उत्साह देखने को मिला. प्रतिनिधिमंडल के सदस्य लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए इस सुनहरे अवसर की प्रशंसा कर रहे हैं. हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर से आए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य त्यागू ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से उन्हें पहली बार वाराणसी आने का मौका मिला है और वे आम आदमी के इतने भव्य तरीके से स्वागत को देखकर काफी आश्चर्यचकित और धन्य महसूस कर रहे हैं. मैं नमो घाट पर हूं, नर्मदा ग्रुप आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आए मेरे पास. त्यागू नाम है इनका और इन्होंने आके मुझसे स्पेशली कहा कि ये हिंदी में कुछ बोलना चाहते हैं. त्यागू जी, आपने जो चेन्नई से यात्रा शुरू की, रेल से यहाँ तक आए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अब आप नमो घाट पर हो, क्या अनुभव आपका रहा और क्या कहना चाहेंगे जिसने यह व्यवस्था दी? मैं मद्रास से आ रहा हूँ. मेरा नाम मैं कुंभकोणम बोल के एक जगह में आ रहा था. मेरा डिस्ट्रिक्ट तंजावुर है. मैं पहले बार आ रहा काशी. हमको पता नहीं चलता कैसे कैसे आ रहा है जाना है बोल के. ये पहले बार आने के टाइम में पुराना टाइम में बोलते हैं लोग बुढ़ा होने के टाइम में आएगा ऐसा ऐसा बोलते हैं, लेकिन क्या इधर आने के बाद हमको पता चलेगा इतना अच्छा जगह हो गया. अभी पहले बोलता है ना वो अच्छा नहीं है ऐसा ऐसा बोल के हम लोग बोला हुआ है. अभी मैं देख कर बहुत खुशी हुआ. हम लोग VIP दर्शनम भी हुआ. हम ऐसा भी देखा नहीं है कभी कभी भी ऐसा भी देखा नहीं है. लेकिन बस का उतर कर नीचे नीचे उतर कर सीधा सीधा अंदर चला गया, विश्वनाथ टेम्पल देखा. उसका बाद अभी पूरा इधर भी आया. वो व्यवसाय के लिए क्या क्या चाहिए वो लोग बताया, सब्सिडी कैसे ऐसे बताया. हम लोग को पता चल गया व्यवसाय के बारे में पता चल गया. उसका बाद अवार्ड दिया, तमिल संगम से अवार्ड दिया. हम बहुत खुश है. क्यों मालूम है ना? ये आप जो जिसने व्यवस्था की है क्या कहना चाहेंगे उनको? आप बहुत धन्यवाद बोलता हूँ. क्यों मालूम है ना? ये काशी तमिल संगम बोल कर हमको हमको हिंदी मेरे को आता है, सबको नहीं आता है ना. ये लोग कैसे पता चलेगा इधर आने के टाइम में कैसे जाएगा कैसे नहीं आएगा, अभी मंदिर जाएगा कैसे पता चलेगा इधर आकर. ये लोग काशी संगम में ना बहुत अच्छा किया. क्यों मालूम है ना? सब लोग आएगा अभी तमरा था. एक आदमी आएगा ना उसके बाद इसके फैमिली लेके आएगा, वो लोग आजू बाजू में रहता है ना वो लोग सब कुछ लेके आएगा. ये काशी तमिल संगम में बहुत धन्यवाद हम बोलता हूँ. ये स्कीम आया ना मोदी जी के लिए वो भी धन्यवाद बोलता हूँ. क्यों हमको VIP दर्शन पहले बार आ रहा हूँ, इतना हम नहीं देखा. बहुत अच्छा है मोदी जी के लिए, बहुत अच्छा है. हम लोग अच्छा बोलते हैं. ये युवा हैं और पहली बार काशी आए हैं. इनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा. बार बार यह जिक्र कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन का. जो जितने भी ग्रुप आए हैं इनके लिए यह खास है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन, काशी आना. और इसके साथ ही व्यवस्था के लिए धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी को, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं. कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी. और केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में NH 208 के चौड़ीकरण
और सुधार को मंजूरी दी है। इसमें खोवाई से हरीना तक कुल 134.9 किलोमीटर का हिस्सा शामिल होगा। इस परियोजना पर करीब 2486 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए असम और त्रिपुरा के बीच अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इसके साथ ही काफी समय भी बचेगा और आम लोगों के लिए सफर सुगम बनेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों में काफी खुशी का माहौल है। 135 किलोमीटर न्यू रोडवेज नेशनल हाईवे विल बी कंस्ट्रक्टेड। इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द रोड कनेक्टिविटी विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, इवन कनेक्टिंग त्रिपुरा विद द इंटरनेशनल एरिना एज वेल एज विद अदर नेबरिंग स्टेट्स ऑफ असम एंड मेघालय। एंड दिस डिसीशन विल डेफिनेटली ओपन अप ए न्यू एवेन्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ त्रिपुरा एज वेल एज ऑफ दिस नॉर्थ ईस्टर्न डोमेन ऑफ दिस अष्टलक्ष्मी। एंड वी आर कंग्रेचुलेटिंग द हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा बगैर कोई रन बनाए राबादा की गेंद पर बोल्ड आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 408 रन बनाने में सफलता हासिल की थी। तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 6 विकेट पर 360 रन से आगे खेलना शुरू किया। डीन एल्गर ने मार्को यानसन के साथ मिलकर रन बनाना जारी रखा। इसी बीच एल्गर ने अपना 150वां रन पूरा किया। दूसरे छोर पर यानसन ने अर्धशतक जमाने में सफलता पाई। एल्गर को 185 रन के निजी स्कोर पर शार्दुल ठाकुर ने आउट करके टीम को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद रबादा और बर्गर को आउट करके बुमराह ने अफ्रीका की पारी को अंत किया। मार्को यानसन ने नाबाद 84 रन बनाए। कप्तान बवुमा चोट के कारण खेलने नहीं उतरे। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी के आधार पर 163 रन की बढ़त बनाई। भारत की तरफ से बुमराह ने 4 और सिराज ने 2 विकेट हासिल किए। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।